तो अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम तो तुषारुद्दीन शाह है, मैं जिला अलीगढ़ से आया हूँ, कोल ब्लॉक जी। तो तुषार जी, आप अलीगढ़ से आए हैं, यहाँ पर बर्नाव आश्रम में आए हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अगले कुछ दिनों में, यानी कि 1 जनवरी से आपके जो दूसरे गुरु जी हैं डेरे के, उनका जन्म वहाँ शुरू हो जाएगा। तो क्या तैयारियाँ हैं और कितने लोगों की आने की यहाँ पर उम्मीद है? करीब हज़ारों लोगों की तो है और लाखों की तादाद में सात संगत यहाँ पर आ सकती है बर्नावा आश्रम पर। वो तो 2 तारीख को पता चलेगा कि करोड़ों में हो जाए या लाखों में हो तो। और सासत नाम जी का जो पावन भंडारा है 2 तारीख को यहाँ पर मनाया जाएगा, तो यहाँ पर सात संगत जो आएगी करोड़ों में हो या लाखों में हो, यहाँ पर सात संगत माँ को भंडारे के रूप में उसको मनाएगी जी। एक चीज़ और कि जो इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि आप देख पा रहे हैं कि मीडिया में भी देखें और जो न्यायालय की तरफ से जो फैसले सुनाए गए हैं, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग आते हैं, और आपका इसके बारे में क्या कहना है? बेसिकली मेरा यही क्वेश्चन है कि इतने आरोप लगने के बावजूद भी आपका इसके बारे में क्या कहना है? अच्छा, ये आरोप तो ऐसा होता है कि जैसे कि पैसे वाला खेल होता है कि 4 लोग ले लो और उसको एक अकेला रह जाए और उसको पैसे दे दो बोलने के लिए, तो वो तो कुछ भी बोल सकता है, बोलने से कुछ नहीं होता। मीडिया में जो दिखाया गया है वो तो बेकाऊ मीडिया हैं, या तो मोदी के भक्त हैं जितने भी हो, वो खाली के खाली सिर्फ मोदी के बारे में बोलते हैं और किसी के बारे में बोलते नहीं है। जहाँ तक कि कोई भी वीडियो आए या फिर मैं न्यूज़ देखता हूँ, आज तक पे हो या NDTV पे हो, तो मोदी के खिलाफ़ तो कभी बोलते ही नहीं है, कभी नहीं बोला उन्होंने। और डेरे पर जो इल्ज़ाम लगे हैं, डेरे में तो आज तक कुछ रुका नहीं, काम जो आज तक रुक पाया, आज तक नहीं रुका। डेरे पे जो इल्ज़ाम लगे आज तक कोई साबित नहीं हो पाया। और गुरुजी पे जो आरोप लगे हैं वो तो उनका मिशन है, वो तो मिशन अपना पूरा करके जल्द लौटेंगे, तो दुनिया वालों को पता चल जाएगा क्या साबित हुआ क्या नहीं हुआ जी। और जो डेरे के अंदर जो आपके जो गुरुजी हैं, वो किस धर्म को मानते हैं और किस धर्म को मानने की शिक्षा देते हैं? उनका धर्म क्या है बेसिकली, और किस धर्म को मानने की शिक्षा देते हैं वो? हमारे गुरुजी तो कोई जात धर्म देखते नहीं है, उन्होंने इंसा नाम रख रखा है, इंसा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म एक हैं, चारों भाई एक हैं, और यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को अपने ये नहीं समझता कि तू मुसलमान है कि तू हिंदू है, नहीं, यहाँ पर तो इंसा का रूप माना जाता है और सभी यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं जी। तुषार जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।